आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बीजेपी को फिर से लगा है एक बड़ा झटका। मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी दे दिया है इस्तीफा। यूपी के आयुष मंत्री थे धर्म सिंह सैनी, जो अब बीजेपी से अलग हो चुके हैं। सरकार की ओर से मिली सुरक्षा को भी उन्होंने छोड़ दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी माने जाते हैं धर्म सिंह सैनी, जिन्होंने अब बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। तो बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सुबह से ये तीसरा बड़ा इस्तीफा माना जा रहा है। यूपी के आयुष मंत्री थे धर्म सिंह सैनी, जो अब भाजपा से अलग हो चुके हैं। उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। वहीं सरकार की ओर से दी गई सुरक्षा को भी उन्होंने वापस लौटा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी माने जाते हैं धर्म सिंह सैनी, जिन्होंने अब स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह अब बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। चुनावों से ठीक पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। सुबह से ही बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनका इस्तीफा देना जो है उसका सिलसिला जारी है। बात करें धर्म सिंह सैनी की, तो उन्होंने भी अपना सरकारी आवास छोड़ दिया है। वहीं सरकार की तरफ से मिली सिक्योरिटी को भी उन्होंने वापस कर दिया है। वहीं लगातार बाला प्रसाद का भी नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है, जो अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। उनका भी इस्तीफा लगभग तय माना जा रहा है। तो बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। एक और विधायक जो है उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि विनय शाक्य ने भी कुछ समय पहले इस्तीफा दिया था। वहीं अब आयुष मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी जो है उन्होंने भी अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के धर्म सिंह सैनी बेहद करीबी माने जाते हैं, जिसके बाद लगातार ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भी अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो धर्म सिंह सैनी का जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे लखनऊ संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नितिन, लगातार सुबह से ही बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले कह सकते हैं कि विनय शाक्य गए और अब धर्म सिंह सैनी, क्या कहेंगे? देखिए, धर्म सिंह सैनी ने अभी थोड़ी देर पहले इस्तीफा दिया है अनुष्का, और एक एक करके मजबूत कड़ियां जो है बीजेपी की वो टूट रही है। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद धर्म सिंह सैनी की आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने भाजपा क्यों छोड़ी, इस पर बात शुरू हो गई है। इसकी वजह कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सहारनपुर की जो नकुड़ विधानसभा सीट के समीकरण है वो बताए जा रहे हैं। ये सीट मुस्लिम बहुमूल्य बहुल सीट है, और जहां पर धर्म सिंह सैनी ने अब इस पर अपना कब्जा जमाया था पिछले चुनाव में, मजबूती से वहां पर जीत हासिल की थी। दो बार से अनुसूचित जाति और सैनी वोटरों के गठजोड़ से ये अपने सैनी साहब जीतते हुए आए थे धर्म सिंह सैनी, और महज 4000 वोटों के अंतर से इन्होंने पिछली बार जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार जिस तरह से जो समीकरण बदल रहे हैं, जिस तरह से माफी चाहेंगे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, पर हमारे साथ इस वक्त सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं। तो अनुराग भदौरिया जी, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो बीजेपी है उसको एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। धर्म सिंह सैनी ने अभी अभी इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश की जनता को दर्द दिया है 5 सालों में जी, अब उत्तर प्रदेश की जनता 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी से वोट के माध्यम से बदला ले लेगी। 10 मार्च को आपको बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से चली जाएगी जी। अनुराग, क्योंकि देखिए जी, लगातार ये बात सामने आ रही है, जितने भी इस्तीफे दिए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी में दलितों का शोषण हो रहा था और बेरोजगारों का शोषण हो रहा था, किस प्रकार से देखते हैं इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों को जिस तरह से रौंदा गया है, भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहती। आप जैसी महंगाई बेरोजगारी पे बात करो तो वो पता नहीं कौन सी बातें शुरू कर देते हैं। अरे, समाज में युवकों को रोजगार नहीं मिलेगा और सामाजिक न्याय अगर समाज के अंदर में नहीं रहेगा
तो फिर लोग कैसे समाज भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मतलब अब हो गई है हार, क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया है। तो इसलिए अब कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दी है उत्तर प्रदेश की जनता को। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि 2022 में 22 साइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। अनुराग जी, जिस तरह से सभी जो विधायक हैं, जो मंत्री पद पे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, अब वो समाजवादी की पार्टी की ओर आकर्षित होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो आपकी पार्टी का जो नारा है 22 में बाइसिकल, इसका सपना किस प्रकार से साकार होता आपको दिख रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो समाज में सामाजिक न्याय की बात करती है और समाज के विकास की राजनीति करती है। तो जो लोग समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो सभी समाजवादी के साथ रहेंगे, क्योंकि समाज का विकास होना ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश को उन्नति के पथ पे ले जाना है, हर यहाँ युवकों को रोजगार देना है, महिलाओं का सम्मान बचाना है, महंगाई कम करनी है, तो जाहिर सी बात है लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी पूरे संपूर्ण समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। अनुराग जी, जिस तरह से एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं और सभी जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षित होते दिखाई दे रहे हैं, क्या ये प्री प्लानिंग है? क्या आपकी पहले से ही इन लोगों से बातचीत चल रही थी? मैंने आपसे क्या बोला, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार तय किया है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देगी जी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें अनुराग जी, तो लगातार बीजेपी के चुनाव समिति की बैठक भी चल रही है, तो वहां पर इस चीज को लेकर बातचीत भी हो रही है, तो क्या वो लोग जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं, इनको समझाने में विफल होते दिखाई दे रहे हैं? वो बैठ गए ना, बैठक चलनी मतलब बैठ गए, अब वो खड़े नहीं हो पा रहे, तो अब बैठे ही रहेंगे, बस वही चलते रहेंगे, बैठे ही रहेंगे, अब उनका चलने लायक रहेंगे ही नहीं, तो इसलिए बैठक ही करेंगे भाई। जिस समय क्षेत्र में लोग दौड़ेंगे उस समय वहाँ बैठक चल रही, तो ये काम जनता का काम, सम्मान का काम 5 साल से करना चाहिए था। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट पे हम जनता, अरे जनता ने दर्द झेला, जनता अपना लेगी और आप इंतजार कीजिए आगे आगे होता है क्या। अच्छा, एक स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट आया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि 14 जनवरी को कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ ये बड़ा है? आपको क्या लगता है कि कितने और इस्तीफे अभी सामने आएंगे? मैंने क्या बोला, इंतजार कीजिए आगे आगे होता है क्या, इसी में सब कुछ। अनुराग जी, जिस तरह से सभी इस्तीफे हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये बात आई है कि पार्टी से नाराजगी थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें सीट नहीं मिल रही थी, और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए तो आया है कि उनके बेटे को सीट नहीं मिल रही थी, इस कारण वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अब जब वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, तो क्या जो पार्टी है वो उन सभी लोगों को सीट देने का दावा कर रही है? मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इंतजार कीजिए, जैसे जैसे शाम होगी और कल सुबह होगी, आपको बहुत कुछ ऐसे ही मिलेगा। बीजेपी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ कर दिया है कि आगे आने वाली तारीख यानी 14 जनवरी को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और जनता को उसके लिए इंतजार करना होगा। बीजेपी का सूपड़ा जो है वो मार्च में अब साफ होता दिखाई दे रहा है, जो 22 में बाइसिकल का जो सपना है वो उन्हें साकार होता दिखाई दे रहा है। और ऐसी ही खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर अब एक और झटका बीजेपी को लगता दिखाई दे रहा है। वैसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नितिन, अभी आपने अनुराग भदौरिया को सुना जहां पर उन्होंने कह दिया है कि 14 जनवरी को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्या लग रहा है, क्या कुछ बड़ा और हो सकता है? देखिए, जो अभी कुछ और सूत्रों से हमें पता चला है कि कल करीब 13 बड़े नाम ऐसे हैं ये समाजवादी पार्टी शामिल कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी में अपनी सदस्यता ले सकते हैं। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी हो गए, धर्म सिंह सैनी भी हो गए, आपके और भी कई सारे बड़े सीनियर लीडर जो हैं वो भी हैं। ये सारे जो हैं कल करीब 13 ऐसे लोग हैं जो सदस्यता लेने वाले हैं। और बीते दिनों जिस तरह से ओपी राजभर से हमारी बातचीत हुई थी, तो ओपी राजभर ने इस बात को साफ तौर पर कहा था कि हर दिन कोई ना कोई इस्तीफा देगा बीजेपी से, और बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की और उनके सहयोगी दलों की जो अंदर से रणनीति थी, जिस रणनीति पर उन लोगों ने काम किया था, वो रणनीति काम कर रही है और एक एक करके बीजेपी के जो मजबूत नेता है वो इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन, जिस तरह से सभी के इस्तीफे सामने आ रहे हैं, इन सभी इस्तीफों में हमने देखा कि लाइनें जो है वो कॉमन है, सब कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट किया और इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद ये एक भेड़चाल सी हो गई है? देखिए, बिल्कुल ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही नेता रहे हैं, चाहे धर्म सिंह सैनी की बात की जाए या फिर कल आपके चौहान साहब की बात करी जाए, ये सब बसपा ही रहे हैं, सब बसपा छोड़ करके 2017 के चुनाव में बीजेपी में शामिल हुए थे और सब जानते हैं कि एक एक करके
अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से अलग हुए तो सब धीरे धीरे के करके अलग हो जाएंगे, और वही बिल्कुल चल भी रहा है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है, तो सबको मालूम है इस चुनाव में किस तरह से मजबूती से आगे की रणनीति तय करनी है। नितिन, एक वक्त था जहां समाजवादी पार्टी में प्रसपा के साथ ही, अपने चाचा के साथ ही सीटों को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि पार्टी जो थी वो अलग हो गई। वहीं अब जिस तरह से अब चुनाव आने वाला है, चाहे शरद पवार हो गए, चाहे ओपी राजभर हो गए हो, चाहे अब धर्म सिंह सैनी जैसे नेता हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, ऐसे लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या लगता है इस प्रकार इस बार जो सीटों का बंटवारा है वो किस प्रकार से किया जाएगा और क्या रणनीति रहने वाली है समाजवादी पार्टी? देखिए अनुष्का, जितने भी नेता अभी तक ज्वाइन हो रहे हैं या जो बीजेपी छोड़ रहे हैं, उन्होंने ये बात नहीं कही है कि वो समाजवादी पार्टी में अगर जा रहे हैं तो सीट को लेकर ही जा रहे हैं। उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई है जी। वो कहीं ना कहीं अपनी मंशा को देखते हुए, अपनी एक चीजों को देखते हुए समाजवादी पार्टी में उन्होंने अपना रुझान दिखाया, वो सभा में जा रहे हैं। तो ये कह पाना अभी मुश्किल है कि उनको सीट मिलेगी या उनके जो जिस समस्या को लेकर या जिस बात को लेकर के वो पार्टी में गए हैं उसका हल कर दिया जाएगा, तो ये कह पाना अभी मुश्किल है जी। नितिन, जिस तरह से जो इस्तीफे दिए गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, शायद नितिन हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी की तरफ से एक और झटका लगता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आयुष मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा सौंप दिया है और अब वो समाजवादी पार्टी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।